वही सिरोज विकासखंड क्षेत्र में स्कूल जर्जर होने से नौनिहालों का भविष्य खतरे में है। ये जर्जर भवन वर्षा में मुसीबत बने हुए हैं। कई स्कूलों की छत से पानी टपक रहा है तो किसी स्कूल के भवन से मलबा गिर रहा है। वही जिले के तहसील सिरोंज के कठौतिया ग्राम में न केवल स्कूल बल्कि बच्चों को बैठने के लिए आंगनबाड़ी भवन तक जर्जर है, बल्कि गांव में सीसी सड़क नहीं होने के कारण बारिश के समय में घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। पिछले काफी समय से रहवासी निर्माण की मांग कर रहे हैं। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों, नगर पालिका और स्थानीय विधायक से भी गुहार लगा चुके हैं। इसके बाद भी आज तक रहवासियों की समस्या हल नहीं हुई है। दरअसल सरोज विकास खंड क्षेत्र में स्कूल जर्जर होने से नौनिहालों का भविष्य खतरे में है। ये जर्जर भवन वर्षा में मुसीबत बने हुए हैं। कई स्कूलों की छत से पानी टपक रहा है तो किसी स्कूल के भवन से मलबा गिर रहा है। इधर विधानसभा सिरोंज के ग्राम कठौतिया के प्राथमिक विद्यालय की छत कुछ दिन पहले गिर गई। इसका मलबा कमरे में अभी भी पड़ा है। वही दूसरी ओर विदिशा जिले के तहसील सिरोंज के कठौतिया ग्राम में न केवल स्कूल बल्कि बच्चों के बैठने के लिए आंगनबाड़ी भवन तक जर्जर है। हालत यह है कि गांव में सीसी सड़क नहीं होने के कारण बारिश के समय में घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीण इस गांव से पलायन करने को मजबूर हैं। परेशान ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि हर जगह शिकायत कर चुके हैं, जो विकास की दिन रात बात करते हैं उन्हें भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई है। क्षेत्र में शिक्षा के बुरे हालात हैं, बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है। कठौतिया गांव में भवन नहीं होने के कारण मात्र 6 बच्चे स्कूल में दर्ज हैं, क्योंकि अभिभावक अपने बच्चों को खतरे वाले इस क्षतिग्रस्त भवन में भेजने से घर बैठना सुरक्षित समझते हैं। कारण है कि विकास का दावा करने वाली सरकार में बच्चे व्यवस्था से परेशान होकर पढ़ाई छोड़कर घर बैठने को मजबूर हैं। सिरोंज से अक्षय कुमार अहिरवार की रिपोर्ट। सर, हमारे गांव में आरसीसी नहीं है, रोड की हालत खराब है, हमारे पूरे गांव की हालत खराब है, बहुत कीचड़ है यहाँ पे, आदमी बहुत परेशान है, निकलने में बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पे आंगनबाड़ी भी है पर वो पूरी गिर रही है, स्कूल है वो पूरा गिर चुका है, नॉर्मल स्कूल नहीं जा पाते, आंगनबाड़ी में भी नहीं बैठ पाते बच्चे, बहुत दिक्कत है यहाँ पे। दुनिया में कर ली साहब, कोई सुनवाई नहीं है इसका। इस गांव में सड़क की बहुत ज्यादा समस्या है, बच्चों भी स्कूल नहीं जा पाते, पाइपलाइन खुदी थी पहले गांव में, इसकी भी उनने बोला था कि पत्थर जमा कर देंगे हम, वो भी नहीं जमा इनने। हमारे गांव में स्कूल भी नहीं है, आंगनबाड़ी भी नहीं है बिल्कुल भी, सड़क मतलब अति से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है सड़क की, आरसीसी भी नहीं है। सरपंच साहब से भी बोला है कई बार, वो भी बोलते हैं मैं नहीं करवाऊंगा, कहते हैं कि तुम लोग तुम समत नहीं है, तुम मेरा कहना नहीं मानते, इसलिए तहसील में भी दिया इसका आवेदन, एसडीएम साहब को भी दिया है, कुछ सुनता ही नहीं है कुछ। पहले हमारा केंद्र स्कूल भवन में लगता था, वो क्षतिग्रस्त होने के बाद हमको अतिरिक्त कक्ष दिया गया, वो भी क्षतिग्रस्त है, बच्चों को बैठाने में दिक्कत होती है, कभी भी कहीं से भी छत टपक जाती है, जो इसका प्लास्टर है ना वो टूट टूट के अपने आप नीचे गिरता है, तो कभी भी किसी भी बच्चे के ऊपर गिर जाता है तो उससे दिक्कत आती है। आपने इसकी कहीं शिकायत की? हाँ, पहले एसडीएम कार्यालय में की थी, आज से 3 या 4 साल पहले, और फिर जो जानकारी मांगते हैं जब भी कि क्या आपका केंद्र क्षतिग्रस्त है, तो हमने क्षतिग्रस्त की जानकारी हमेशा देते हैं। सरपंच साहब को भी बताया था कि मतलब ये क्षतिग्रस्त है। क्या है कि हमने भवन जर्जर वाली स्थिति के वरिष्ठ कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुए थे कि जहाँ भी जर्जर भवन है उसमें जर्जर भवन में बच्चों को न बैठाया जाए, और यदि शिक्षक समय पर नहीं पहुँचते तो ये अनुशासनहीनता है शिक्षक की, और इसकी मतलब जाँच करवाऊँगा और उन पर कठोर कार्रवाई। आपके द्वारा ये समस्या मेरे संज्ञान में आई है, अगर रोड नहीं है तो निश्चित रूप से हम लोग अभी एक बार अपने इंजीनियर्स और जनपद की जो टीम है उसको भ्रमण करने के लिए बोलते हैं। हालांकि मुझे ऐसा जानकारी प्राप्त है कि वहाँ का प्रस्ताव एस्केबेट वगैरह बने हुए हैं, उसको शीघ्र करवाया जाएगा। स्कूल के लिए जितने भी स्कूल विहीन ग्राम पंचायत हैं उसके लिए प्रस्ताव गए हुए हैं, ये सब शिक्षा विभाग तक इसके बारे में जानकारी है, और हमारे तरफ से जो शाला विहीन जितने भी पंचायत हैं यहाँ पे शाला के लिए भवन नहीं है उनका प्रस्ताव ऑलरेडी गया हुआ है शासन में, जैसे अनुमोदन होकर आता है शीघ्र वहाँ पे शाला का निर्माण होगा।